इंक्विजिटर्स की डिटेल में जाने से पहले एक बार फिर से ऑर्डर 66 के बारे में जान लेते हैं। द गैलेक्टिक रिपब्लिक के सुप्रीम चांसलर श्यू पल्पटीन ने सीक्रेटली क्लोन ट्रूपर्स के दिमाग में इनहिबिटर चिप्स प्लांट किए थे। क्लोन वॉर्स के दौरान ये सारे क्लोन ट्रूपर्स जेडाइस के साथ मिलकर लड़ा करते थे। क्लोन ट्रूपर्स के दिमाग में लगे वो चिप्स इस तरह से प्रोग्राम थे कि उनके एक्टिवेट होते ही क्लोन ट्रूपर्स सारे जेडाइस को गैलेक्टिक रिपब्लिक का दुश्मन मानने लग जाएंगे। एक बार श्यू पल्पटीन ने एग्जीक्यूट ऑर्डर 66 बोल दिया तो फिर क्लोन ट्रूपर्स अपने साथी जेडाइस को मारने लग जाएंगे। क्लोन वॉर्स के आखिरी पीरियड में चांसलर पल्पटीन की असली आइडेंटिटी सबके सामने आ गई कि वो डार्क साइड ऑफ द फोर्स को फॉलो करने वाला सिथ लॉर्ड डार्थ सीडियस है। डार्थ सीडियस ने एनिकिन स्काईवॉकर की मजबूरी का फायदा उठाकर उसे अपना अप्रेंटिस बना लिया, डार्थ वेडर। फिर ऑर्डर 66 को एग्जीक्यूट करके बचे कुचे जेडाइस का सफाया शुरू कर दिया। क्लोन ट्रूपर्स और सिथ्स द्वारा जेडाइस के इस मास मर्डर को द ग्रेट जेडाई पर्ज का नाम मिला। लेकिन डार्थ सीडियस को पता था कि इस जेडाई पर्ज में सारे जेडाइस नहीं मरने वाले। कुछ जेडाई समय रहते इस हमले से बचने में कामयाब हो गए और अलग अलग प्लैनेट्स पर जाकर अंडरग्राउंड हो गए। ओबी-वैन केनोबी शो की मेन स्टोरी यही तो है, द ग्रेट जेडाई पर्ज की बाद वाली कहानी। डार्थ सीडियस अच्छे से जानता था कि सिर्फ इन बचे हुए जेडाइस को ढूंढ कर मारने से काम नहीं होने वाला। अगर वाकई में जेडाई ऑर्डर का फुल एंड फाइनल सोल्यूशन निकालना है तो इसे फोर सेंसिटिव बच्चों को ढूंढकर उन्हें भी कन्वर्ट करना होगा। इस काम में टाइम लगेगा और उसे स्पेशल मदद की जरूरत भी पड़ेगी। तो बस इसी स्पेशल मिशन को अंजाम देने डार्थ सीडियस और डार्थ वेडर ने इंक्विजिटोरियस प्रोग्राम की बुनियाद रखी। इंक्विजिटर्स का बस एक ही मकसद था, गैलेक्सी में छुपे हुए जेडाइस को चुन चुन कर मारना और फोर सेंसिटिव बच्चों को डार्क साइड की ओर ढकेलना। इंक्विजिटोरियस प्रोग्राम के सारे मेंबर्स कभी ना कभी खुद भी जेडाई ऑर्डर का हिस्सा थे, या तो ये जेडाई थे या किसी जेडाई के पैडवन। डार्थ सीडियस ने खास ऐसे कैंडिडेट चुने थे जिनकी डार्क और ट्रेजिक बैक स्टोरी थी, एनेकिन स्काईवॉकर की तरह। तो शायद डार्थ सीडियस ने इंक्विजिटोरियस के मेन कैंडिडेट्स ऑर्डर 66 के पहले ही चुन लिए होंगे। ना ही इंक्विजिटर्स जेडाई ऑर्डर का हिस्सा थे और ना ही सिथ ऑर्डर का। हाँ, ये सिथ ऑर्डर को रिपोर्ट जरूर करते थे बट उनकी अपनी अलग ही टीम थी। इंक्विजिटोरियस प्रोग्राम का हिस्सा बनते ही उनकी पुरानी आइडेंटिटी मिटा दी जाती थी। ये प्रोग्राम इतना सीक्रेट था कि किसी को नहीं पता कि एग्जैक्टली इस टीम में कितने मेंबर्स थे। प्रोग्राम का हिस्सा बनते ही कैंडिडेट्स को नाम की बजाय नंबर्स मिलते थे, फिफ्थ ब्रदर, सेवन सिस्टर, एट ब्रदर, इस तरह से। इंक्विजिटर्स ब्लैक एंड ग्रे आर्मर पहनते थे और इस आइकॉनिक डबल ब्लेडेड हेलीकॉप्टर लाइट सेबर को यूज करते थे। इस सारे प्रोग्राम को द ग्रैंड इंक्विजिटर लीड कर रहा था। ग्रैंड इंक्विजिटर पहले जेडाई टेंपल का गार्ड था। जेडाई टेंपल बॉम्बिंग वाले इंसिडेंट के बाद इसने डार्क साइड ऑफ द फोर्स को अपना लिया और आगे चल के इंक्विजिटर इस प्रोग्राम का लीडर बना। ग्रैंड इंक्विजिटर को सीधा डार्थ वेडर से ऑर्डर मिलते थे। इंक्विजिटर्स को पहली बार हमने स्टार वॉर्स रिबेल्स शो में देखा था। डार्थ वेडर ने ग्रैंड इंक्विजिटर को जेडाई केनन जारस और उसके पैडवन एज्रा ब्रीजर को मारने का काम सौंपा था, बट उसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। रिबेल्स और केनेबी शो दोनों के लिए स्पॉइलर्स हो जाएंगे। इंक्विजिटर्स 2019 में आए स्टार वॉर्स जेडाई फॉलन ऑर्डर वीडियो गेम का भी बड़ा हिस्सा थे। ये फोर्स सेंसिटिव लोगों को ढूंढते हुए कहीं भी पहुंच सकते हैं। इनके पहले लाइव एक्शन डेब्यू को देख के लग रहा है कि ओबी-वैन केनेबी शो में भी इनका बड़ा रोल रहेगा। शायद टैटूइन पर केनोबी के फोर्स सेंसिटिव प्रेजेंस को फील कर इंक्विजिटर्स उसे ही यहाँ ढूंढने आए होंगे, या फिर फोर्स सेंसिटिव यंगलिंग्स की तलाश इन्हें इस प्लैनेट पर ले आई। जो भी हो, द ग्रैंड इंक्विजिटर वर्सेस केनोबी की लड़ाई देखने लायक होगी। आई नो कि इस शो में डार्थ वेडर वर्सेस केनोबी होने की भी रूमर्स हैं, बट कम ऑन, उसे यहाँ पर कंपेयर भी नहीं कर सकते। इंक्विजिटर्स का नया हेडक्वार्टर्स फोर्टस इंक्विजिटोरियस नूरनामी मून पर मौजूद था। शायद ये उसी हेडक्वार्टर का इंटीरियर शॉट है। हेडक्वार्टर्स होने के साथ साथ ये टावर जेडाइस का टॉर्चर चैम्बर भी था। एम्पायर यहाँ पर जेडाइस को पकड़कर टॉर्चर किया करते थे। कुछ जेडाइस टॉर्चर सहकर मर जाते थे तो कुछ हार मानकर डार्क साइड ऑफ द फोर्स को अपना लेते थे। बट अगेन, इस टावर की लोकेशन भी एकदम सीक्रेट रखी गई थी ताकि बाकी अवाम की नजर में एम्पायर की अच्छी इमेज बनी रहे। ओबी-वैन केनोबी शो के टीजर में हम ऑलरेडी द ग्रैंड इंक्विजिटर और फिफ्थ ब्रदर को देख चुके हैं। होपफुली इस शो में हमें इंक्विजिटोरियस के सुपर सीक्रेट प्रोग्राम के बारे में और ज्यादा जानकारी मिल पाए। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माई नेक्स्ट वन।